आंटे जी, कल के लिए आई एम वेरी सॉरी। आई होप कि आपने मुझे माफ कर दिया। सॉरी। कर दिया जमाई बाबू। थैंक यू। और नाश्ता कर लो। हाँ हाँ करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, रच के करूंगा। लेकिन अब जब आपने मुझे माफ कर ही दिया है तो मैंने सोचा एक छोटी सी बात और बता दूं मैं आपको। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो मैं और आनिया करना चाहते हैं। वो ये है, हमने डिसाइड किया है कि हम सब एक ओवरनाइट पिकनिक पे जाएंगे। अरे वाह, पिकनिक, खूब भालो। खूब भालो ना, उससे भी भालो बात ये है कि मैंने और डैड ने मिलके एक बहुत बड़ा फार्म हाउस खरीद लिया लोनावला में। और अब जब खरीद ही लिया है तो एक बार तो जाना बनता है। सॉरी, शायद मैं नहीं जा पाऊंगा, बहुत काम है मुझे। हाँ मुझे पता था, मुझे पता था ये आदमी पक्का मना करेगा। आंटी जी, ये स्कूल में बहुत डिसिप्लिन, बहुत पढ़ाकू टाइप के थे क्या मेरे साले साहब? हैं? कोई भी फन की बात करो इनको रैशेस हो जाते हैं। बुरा मत मानिएगा लेकिन आप पे नहीं गए, आपके सगे हैं क्या? मैंने सोचा था कि हम लोग वहां क्रिकेट खेलेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि साले साहब कॉम्पिटिशन से डर गए। और क्यों ना हो, अब होने वाली बीवी के सामने आनिया अगर तुम्हारा होने वाला पति इन्हें हरा देगा, पछाड़ देगा, ये ढीले पड़ जाएंगे तो भी मतलब बेइज्जती हो जाएगी। क्यों साले साहब? जितनी बातें करते हो उतना कर भी लेते हो या फिर बकवास की बातें करने में मजा आता है तुम्हें? थोड़ा बहुत। चलो ठीक है यार, देख लेते हैं तुम्हें भी कितना दम। रागिनी, हम भी चलेंगे पिकनिक पे। हाँ दादा, मैं एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक करके फिर आपको बताता हूँ। हाँ मितुल, मितुल अरे मितुल कहाँ पे हो तुम? अरे लो यहाँ हो तुम। तुम्हें ना सिर्फ दो ही काम आते हैं, जासूसी करना और ये आम खाना। और कुछ सोचता है तुम्हें? अरे आम तो भीषण भालो, आओ खाओ खाओ। अरे मुझे नहीं खाना, तुम जल्दी से। मेरा पैर, तुम्हारे आम ने ना मेरा काम तमाम कर दिया, पैर टूट गया मेरा, हो गया ना सर्वनाश। उड़ी बाबा की सर्वनाश, अब हम पिकनिक कैसे जाएगा? तुम अभी भी पिकनिक की पड़ी है, मेरा पैर टूट गया। तुम्हें चुप करो, हमको तो पिकनिक जाना ही जाना है। अरे कितनी सारी जासूसी भी तो करनी है उधर, आमी तो पिकनिक जाबो ही जाबो, बुझे छो तुम्ही? मेरा पैर। उफ, तुम्हारा ये पैर। नो पिकनिक, यू हैव टू रेस्ट, ठीक है? यस डॉक्टर। आप इनका ख्याल रखिएगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। ये सब ना इसकी वजह से हुआ है। बट यू गाइस कैरी ऑन, आई विल मैनेज। हाँ माँ। अच्छा हाँ हाँ हम आ रहे। वो जो मैंने गाड़ी बुक करवाई थी वो आ चुकी है नीचे। सो मामी, I guess we should leave now. चलो, मम्मी जाती है। ठीक है। Bye, Mama. अरे सर, मैं क्या सोच रहा था? ट्रिप बहुत लंबी है तो लेडीज लोग आगे बैठ जाएंगी, अपन जेंट्स लोग पीछे सेटल हो जाएंगे, क्या बोलते हैं? साले साहब इस तरह सबके सामने साथ में पिकनिक जा रहे हैं ना? आउच। एक साथ पीछे बैठते हैं, अच्छा टाइम पास होगा, है ना? ओके
साली साहब आपके बेटे भी आओ। जब हम लोग अंताक्षरी खेलते थे तो कितना मजा करते थे ना। चलो चलो सब लोग शुरू करो। श्रुति बोलो, लेकिन आप लोग बंगाल में कहाँ से शुरू करते हैं? हम लोग पंजाब में मसे शुरू करते हैं। मसे मसे। हाँ तो मैं अ से शुरू करूँ? हैं। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। रागिनी जी कहाँ से? जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। यहाँ से आया हम पे। साले साहब गाएंगे कुछ बढ़िया? यहाँ से कुछ सोचो ना। नहीं यार उनसे नहीं होगा। अरे हमारी टीम हार जाएगी। टीम के लिए, टीम स्पिरिट। तुम गा रहे हो ना, अच्छा गा रहे हो। मैं तो एक ही गाना गाया, दूसरा तो आप पे बनता है ना। अच्छा आप समझ लो बाथरूम में गा रहे हो, गा दो ना दादा। तुम गाओ अगर मैं ज्वाइन करूं। पक्का? हाँ कोशिश करो। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा नाम है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? अरे अरे ड्राइवर साहब क्या हो रहा है ये? सर गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। अच्छा ऐसे कैसे? नहीं साले साहब आप पहुंच नहीं पाएंगे। साले साहब कुछ नहीं होगा। ड्राइवर तुम्हारा दिमाग खराब है? और हाँ कार की देखरेख ठीक से नहीं करते, ऐसे कैसे ब्रेक्स फेल हो गए? तुम्हें पता है तुमने सबकी जिंदगी खतरे में डाल दी थी इडियट। सर सच में मैं सब चेक करके चला था, अब पता नहीं कैसे हो गया। पता नहीं कैसे हो गया? सर साले साहब रिलैक्स, काम डाउन, कोई दिक्कत नहीं। इतना नाराज होने वाली बात क्या है? गरीब आदमी है, मैं गाड़ी को भी हैंडल करता हूँ और इससे भी बात कर लेता हूँ। आप एक काम करिए, आप पूरे परिवार को लेके वो सामने पेड़ है ना, जाइए उसके नीचे बैठ जाइए, बहुत गर्मी है। आई थिंक इज राइट मॉम। चलो रागिनी तुम लोग सब ठीक हो? और तू क्या हाथ दिखा रहा है खोते? तो सिर्फ गाड़ी नहीं संभालती, किस तरीके का आदमी है तू? अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया होता तो हैं? क्या कमाल की एक्टिंग करता है तू शेर यार, क्या गाड़ी चलाई है तूने? ये ले मेरा मन तो कर रहा है सब दे दूं तेरे को, लेकिन इतना कैसे दे सकता हूँ? ये ले जा, खुश कमा कर, जा मांग 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 कोई। अरे और आज के बाद कभी मुझे दिखना मत। कैसा बेवकूफ ड्राइवर है यार बताओ, एक गाड़ी नहीं संभालती इडियट से। देखिए ऐसा है, गाड़ी तो वही बहुत खराब, वो चलने से रही अब, तो हमें यहीं डेरा जमा के बैठना पड़ेगा। वैसे फार्म हाउस पास में है, लेकिन जाने में तकलीफ होगी। हैं? की बोलछो? ये गाड़ी किसका है? हमारा गाड़ी तो नहीं है, ये किसने मंगवाया इसको है? मामी, वो नहीं गाड़ी दरअसल मैंने ही मंगवाई थी।
एक्चुअली लंबे सफर के लिए मैं इसी कंपनी की गाड़ियां मंगवाता हूँ, लेकिन पता नहीं आज क्या गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। दूसरी गाड़ी मैंने मंगवा ली है, लेकिन आने में थोड़ी देर जरूर लगेगी। हां है की बोल छो, टाइम लगेगा। अरे अब तो गर्मी है इधर, और देखो जंगल भी सामने है, यहां से तो जंगली जानवर भी आ जाएगा, कोई हमको काट लेगा तो। हां तो भीषण गर्मी में जंगल में अगर जानवर आ गया तो भाग जाना ना उसको देख के, पांव में तो दिए ना भगवान ने। उड़ी बाबा। अच्छा ये मैंने अभी मैप में चेक किया, एक्चुअली फार्म हाउस काफी करीब ही है, सो इफ यू गाइस डोंट माइंड अगर हम चल लें तो यू नो गाड़ी के लिए वेट करेंगे तो शायद काफी वक्त बीत जाएगा। नो नील, बहुत गर्मी है यार। या दैट्स ट्रू। मैं कुछ लेके आता हूँ, वन सेकेंड। अरे हाँ चलो भाई, कुछ तो जुगाड़ हो गया, कुछ तो बचाव हो जाएगा इससे। नहीं वाओ क्या यू, थैंक यू। और ये हमारे लिए बेबी, अब इससे थोड़ा बहुत बचाव तो हो ही जाएगा। नहीं चले नागिनी, लेट्स गो। चले खूब भालो। उड़ी बाबा की सर्वनाश, ऐसा भी पिकनिक होता है क्या? अरे मित्तोली से तो एंजॉय कर लो ना पिकनिक समझ के। थैंक गॉड फॉर द अम्ब्रेला। अस्टेड वैसे दिस वाज रियली स्मार्ट ऑफ यू। या अम्ब्रेलास लेकर आए, वरना इस गर्मी में तो पागल ही हो जाते। क्या बात है साले साहब, क्या खा लिया आज जो मेरी तारीफें हो रही हैं? वैसे दादा सिर्फ ऐसे ही हैं, माय रियल हीरो। तुम अभी छोटे हो, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है जो। वैसे रागिनी जी, जैसा हम कई दफा समझ लेते हैं होता तो वैसा भी नहीं है, नजरिया बदलने की बात है। रियली मेरे नजरिए से देखो तो रागिनी। आज का दिन ही खराब है, और मेरा तो 100%। आई ब्रोक माय हील। আমি জানি কি করতে হবে, এই দুসরা জুতাটা হিল বিনা তোড় দো। হ্যাঁ সব ঠিক হয়ে যাবে মামি। মিতুল क्या आइडिया आती है तुम्हारे दिमाग में? मेरे ख्याल से गाड़ी में एक स्पेयर होना चाहिए, देख लो चेक करो। लेकिन गाड़ी बहुत गर्म है नील। One second, hold this. Hold this, hold this. All right. There you go. Neil, are you sure? I'm not sure, but try करने में क्या जाता है? You comfortable? Very. Let's go. Chal. It's really sweet of you, yaar. Thank you. सच्ची जमाई राजा, कमाल का फार्म हाउस है आपका। थैंक यू, रियली नाइस है। या लेकिन चलते चलते हालत खराब हो गई। एनीवे देयर यू गो, थैंक यू नील। वैसे आज का वर्कआउट तुमने मुझे मिस नहीं करने दिया। मोटी हो रही हो? एक्सक्यूज मी, ये पत्थर किसी और के घर पे मारना मिस्टर सेन गुप्ता, ये वो आपके लूचो का कमाल हो गया। उड़ी बाबा लूचो। आई थिंक यू मीन लूची। यस। मैं क्या कह रहा था कि आप लोग अंदर जाकर के फ्रेश के लिए हो जाते। आहा, आ,
आओ मित्र, देखिए किसको किस कमरे में ठहराना है। चलो 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 चलो। हाँ माँ, लेट्स गो, आई नीड अ शावर बैडली। आई जस्ट कम इन देयर। आने तुम भी। हील्स टूट गई थी ना, तो नील ने मुझे गोदी गोदी में। सिद्धार्थ, रोशनी सफाई क्यों दे रही? मैंने मांगी क्या? फ्रेश हो जाओ। मैं सफाई कहाँ दे रही थी? Really, that's very great news. Thank you so much. Bye. So, Arav is getting better. Really? मुझे यकीन नहीं हो रहा। I'm so happy. Thank God. Oh God, that's such a great news, Anya. Thank God. मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिल कहता है कि बहुत जल्द सब कुछ बहुत ठीक हो जाएगा, सब सुलझ जाएगा। I hope so. अनिया, अब हमारे प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू होगा और इसमें मैं जो जाल पे बिछाऊंगा ना, तुम्हारे दादा को फंसना बहुत जरूरी है। आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस टू हिम, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अनिया। जैसे जैसे नील फेल होगा और रोशनी देखेगी, उसे ये समझ में आएगा कि कोई रिश्ता परफेक्ट होता नहीं है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। हर रिश्ते में गलतियाँ होती, लेकिन उन गलतियों के बिना पर किसी रिश्ते को इस तरह तोड़ देना, यह गलत है। You're right, sir. In fact, मैंने नोटिस किया है, रागिनी दी को हमारी क्लोजनेस बिल्कुल नहीं पसंद। She gets very uncomfortable. I know. That's really good for our plan. I fight to that. अच्छा, अब हमारे प्लान का सेकेंड पार्ट, मित्तल मामी। मित्तल मामी। Oh God, please, please, please help us. Sundar, please. हम सबके ना अच्छे से रक्षा करना और किसी को कोई चोट ना पहुंचे. Please God, please, please, please. Anya, की कौन छोटा? क्यों लो? मामी आप? Actually मामी मैं बहुत ज़्यादा tense थी. देखिए ना, जब से हमारी engagement हुई है, कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जा रही है. कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचता है और कभी किसी को कुछ नुकसान. इनफैक्ट आई एम अफ्रेड नाउ. हम घर से कितना दूर हैं, बस यही दुआ कर रही थी कि सब कुछ अच्छे से निपट जाए और हम जल्दी अपने घर पहुंच जाएं सही सलामत. इनफैक्ट आपको भी कुछ ना हो मामी. है अनिया, तुम एकदम ठीक बोल छो. एंगेजमेंट के बाद से ही ये सब हो रहा है ना गड़बड़. मैं सोच रही हूँ सबकी ना नजर उतार दू. ग्रेट आइडिया मामी, है ना? देखो सब लोग हम घर से बाहर है, किसी को कुछ भी हो सकता है. क्यों बोलो मित्तल,
भूती सुनो, कुछ ना गड़बड़ है। जब से हम घर से बाहर निकले हैं ना कुछ गड़बड़ ही हो रहा है। अरे गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में है मितुल। पिकनिक मनाना है, यो एंजॉय करो, चिंता मत करो, चलो अंदर। सिड और रोशनी की मोहब्बत की शतरंज में मितुल मामी की चाल, अब आएगा असली मजा।